सर्दियां अपने जोरों शोरों में है और सर्दियों में काम करने का मन नहीं करता क्योंकि रजाई छोड़ने का मन नहीं करता और रजाई नहीं छोड़ेंगे तो काम नहीं होगा। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी लेके आती है, तो चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन अर्चना का में आपका स्वागत है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी चावल ले लिए हैं जिनके क्वांटिटी 250 ग्राम के करीब है। ये घर में जो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ वो राइस, आप चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं। अब इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर इसमें पानी डाल के हम अच्छे से इसको 2-3 पानी से वॉश करेंगे ताकि जो भी गंदगी होगी वो अच्छे तरीके से निकल जाएगी। तो 2-3 पानी से वॉश करना बिल्कुल मत भूलिए और ये जो गंदगी होती है ना ये अच्छे से वॉश हो जाती है। अब हम इसमें पानी डाल के 10 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे, जिससे जब इनको बनाएंगे तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा और ये बहुत खिले खिले बनेंगे। अब इसमें मैंने ये सब्जी लिए, जैसे आलू, गोभी, मटर और बीन्स लिए हैं, प्याज, मिर्च और गाजर लिए हैं। आप जो भी सीजनी वेजिटेबल खाते हो, पसंद करते हो, जैसे ब्रोकली है, मशरूम, कॉर्न, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, कुकर को गर्म करने के बाद मैं यहाँ पे 1 कप भर के तेल डाल रही हूँ। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा जब चिटकने लगेगा तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज जो लिए थे उनको लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसको हम स्पैचुला से चलाएंगे जब तक कि इसका कलर या थोड़े से ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने लगे हैं, मतलब 1 मिनट हो गया है मुझे इसके चलाते चलाते और ये सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और यहाँ पे मैंने 1 कटी हुई मिर्च डाली है और 2 लंबे टुकड़ों वाली मिर्च डाली है। अब जो भी वेजिटेबल हमने लेके अभी आपको दिखाया था वो सारी वेजिटेबल इसमें ऐड कर देंगे और साथ में मटर भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद एक बार वापस से स्पैचुला से चला देंगे ताकि जो नीचे प्याज है वो जले नहीं। और गैस का फ्लेम आप लो रखें या मीडियम लो रखें, बहुत हाई करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सब्जियां फिर नीचे प्याज जो है वो तली में लगने लगेगा, फिर उसकी अच्छी खुशबू नहीं आएगी। तो अब इसमें बहुत ही कम मसाले पड़ेंगे, जैसे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आपको तीखा पसंद है तो तीखी वाली मिर्ची डालिए, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सब्जी मसाला डाला है जिसका फ्लेवर और टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे सब्जी का लुक भी बहुत चेंज होता है। और टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ ताकि जो भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाए। अब मसाले हमारे भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको लंबे टुकड़ों में कट कर दिया, वो भी ऐड कर देंगे और उसको भी तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि वो अच्छे से पक नहीं जाते। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे उनका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है, अब उन चावलों को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं चावल हमारे कितने अच्छे से फूल चुके हैं और इनको भी अच्छी तरीके से सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे ताकि जब हम ये पुलाव खाएंगे या तहरी खाएंगे तो हर एक बाइट में हमें सब्जियां मिलेंगी और हर बाइट में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये सारा मिक्स करने के बाद हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसको चलाते जब तक कि इसमें थोड़ा सा सूखापन नहीं होने लगता है तब तक मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी, जिससे क्या होगा कि बाद में जो हमारी तहरी रहेगी उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अभी ये मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं यहाँ पे 2 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आप जितना आपको गाढ़ा चाहिए या पतला चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए, मुझे थोड़ा सा इसको खाने में पतला ही तहरी अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने 2 कप पानी ऐड किया। अब सारी वेजिटेबल को पानी के साथ मिक्स कर देंगे ताकि मसाले जो हैं नीचे चिपके ना हों। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 1 या 2 सीटी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे सीटी आ चुकी है तो सीटी गैस थोड़ी सी निकाल के और इसको खोलेंगे तो ये देख सकते हैं इतना डिलीशियस और यमी सा
हमारी तहरी बनके तैयार है, जिसमें हमने सीजन की बहुत सी वेजिटेबल डाली हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसमें हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको स्पैचुला से हम अच्छे से ऊपर नीचे, क्योंकि क्या होता है जब पकता है तो वेजिटेबल नीचे चली जाती हैं, और धनिया के पत्ते डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो भी धनिया हमने डाली है वो अच्छे से उसका फ्लेवर भी इस तहरी के अंदर आ जाए। तो ये तो मुझे बहुत यमी लग रही है और मुझे इसे देख के तुरंत फिर से बनाने का मन कर रहा है। आई होप आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो चलिए, ये हमारी तहरी एकदम सुपर डिलीशियस और टेस्टी बनके तैयार है। इसको प्लेट में डाल लिया है और ये इतनी यम्मी बनती है कि आप इसको सुबह दोपहर शाम कभी भी खा सकते हैं, और सैटरडे संडे को तो ये आपकी फेवरेट ही हो जाएगी। और हेल्दी इतनी है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भी हेल्दी खाया नहीं। तो ये सुपर डिलीशियस सी वेजिटेबल वाली तहरी आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और पसंद आती है मेरी रेसिपी तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है मेरी रेसिपी देखना तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिलता रहेगा। तो इसी वादे के साथ मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ माई व्यूअर।